वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्लास सिक्स। तो आपकी एग्जाम्स ओवर हो चुकी है और रिजल्ट भी आपकी लगभग आ चुकी होगी और आपके नए क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो जो क्लास फाइव में थे, अब नाउ दे हैव कम इन क्लास सिक्स एंड आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू इन क्लास सिक्स। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर क्लास एंड your first chapter will be started here. Your first chapter of SST is very very going interesting, very very interesting chapter hai ye. Ye first chapter class 6 ki SST and the name of the chapter is the planet earth and the solar system. The planet earth and solar system already iske bare mein aapko thodi bahut jankari bhi hogi aur ye chapter bahut interesting hone wala hai. To is chapter mein hum log वन बाई वन ईच एंड एवरी थिंग को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट डूइंग डिले लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस दिस चैप्टर। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर। मैं चाहता हूं आपका ईच एंड एवरी जो लाइन है ये आपकी एक्सप्लेनेशन हो और कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपकी वर्ड्स है, कोई ऐसा सेंटेंस हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो, ये आपकी बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। थ्रू आउट द बुक हमें जाना है और बाद में हम लोग इसका समरी भी एक्सप्लेन करेंगे, सो समरी भी जानेंगे, बट अभी आपको लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी थिंग को आपको लेके चलना है ताकि आपका जो भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो सकता है या फिर जो डू यू नो सेक्शन से पूछा जाता है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बुक एंड ईच एंड एवरी लाइन वी हैव टू एक्सप्लेन हियर। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। तो यहाँ फर्स्ट पेज स्टार्ट होती है, पेज नंबर वन जो है, यू कैन सी योर पेज नंबर वन। तो ये चैप्टर है आपकी है और यहां से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ईच एंड एवरी लाइन। तो यहां पर देखो फर्स्ट में व्हाट इट हैज बीन टोल्ड हियर, वी कैन सी काउंटलेस ग्लिटरिंग टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। मैं रीडिंग भी कर रहा हूं ताकि आप इसे सुनकर आप करेक्ट जो रीडिंग होती है उस रीडिंग को भी आप कर सको, कहीं आपको अदर हेल्प लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको देखें और कंप्लीट रीडिंग सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां देखो फर्स्ट में क्या है, वी कैन सी काउंटलेस ग्लिटरिंग टाइनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई एट नाइट। नाइट में जब हम लोग बाहर निकलते हैं, नाइट में देखते हैं ऊपर में, तो हमें छोटे छोटे, टाइनी मीन्स क्या होता है स्मॉल, तो छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो। मोस्ट ऑफ दीज अपीयर ट्विंकलिंग, और बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो आपको क्या नजर आएंगे, ट्विंकलिंग करते हुए दिखेंगे, यानी कि टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। दे आर स्टार्स, तो वे क्या है, वही स्टार्स हैं जो आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, उन्हीं को स्टार्स कहा जाता है। दी अदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट्स विच डोंट सीम टू बी ट्विंकलिंग मे बी प्लैनेट्स। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप आसमान में, स्काई में देखते होंगे जो लाइटिंग तो है, उसकी लाइट तो है, बट वे ट्विंकल नहीं करते हैं, वे टिमटिमाते नजर नहीं आते हैं। तो क्या वे तारे हैं? नहीं, वो प्लैनेट्स हो सकते हैं। प्लैनेट मीन्स ग्रह। तो आगे हम लोग और भी जानेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना है प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में। तो अभी ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है और आगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एवरी थिंग को हम लोग डिफिनेशन के साथ में, हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ में हम लोग कवर करेंगे। ओके, ड्यूरिंग द डे वी सी द सन विच इज ऑल्सो अ स्टार। दिन में क्या हमें तारे नजर आते हैं क्या? नहीं, जब मार पड़ती है तो दिन में तारे नजर आते हैं, है ना, लेकिन रात में तारे नजर आते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, लेकिन दिन में जब पिटाई होती है तो कहा जाता है ना कि दिन में तारे दिखा दूंगा, तो दिन में तारे उस समय नजर आते हैं, ऐसे दिन में तारे नजर नहीं आते हैं। बट एक ऐसा स्टार है जो दिन में नजर आता है और वो क्या है, दैट इज द सन। सन जो है ना, अभी कहोगे सर सन भी स्टार है क्या? यस, सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी एक स्टार ही है, बट चूंकि वो क्या है, हमारे अर्थ से, सन इज वेरी क्लोज टू आवर अर्थ, अर्थ से बहुत ही क्या नजदीक है, जिसके कारण हमें ये बड़ा दिखता है और इसकी लाइट दिन में भी आती है। बाद में और भी डिस्कस हम लोग करेंगे इसके बारे में ना, तो यहां पर मैं अभी फिगर भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप फिगर में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन, विच इज ऑल्सो अ स्टार, तो सन भी क्या है, एक स्टार है। नाउ प्रोसीड टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ आप देखेंगे पेज नंबर यहीं पर, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच अपीयर सिमिलर टू अस आर द हेवनली बॉडीज। नाउ अबाउट विच थिंग इट हैज बीन टोल्ड, हेवनली बॉडीज। ये हेवनली बॉडीज क्या होते हैं? तो हेवनली बॉडीज कहेंगे या फिर सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे, दोनों बोथ आर सेम, सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज, दोनों सेम होता है। अब इसे हम लोग समझेंगे कैसे, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस वन।
तो हेवनली, हेवन मीन्स क्या होता है, आकाश, आसमान। बॉडी का मतलब यहाँ ये बॉडी हो गया। बॉडी किसी भी चीज को कहते हैं जो बनावट है, ठीक है, बना हुआ है कुछ, उसको बॉडी कहते हैं। तो हेवनली बॉडीज यानी वैसे बॉडीज, वैसे ऑब्जेक्ट जो आसमान में पाए जाते हैं, आसमान में दिखते हैं, अंतरिक्ष में, पूरे स्पेस में। तो यहां पर सेलेस्टियल बॉडीज कौन हो गए, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, चाहे वो अर्थ हो, मून है, सन है, अदर प्लैनेट है, ये जितने सारे चीजें हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज कहा जाता है या सेलेस्टियल बॉडीज भी कहा जाता है। तो ऑल दी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई विच एपियर सिमिलर टू अस, जितने सारे आकाश में, आसमान में जो भी ऑब्जेक्ट्स है जो हमें एक जैसे दिखते हैं, है ना, एक जैसे नहीं दिखते हैं, स्टार्स है तो सारे स्टार्स एक जैसे दिखते हैं, प्लैनेट्स हैं सेम हमें दिखते हैं, यहाँ से अर्थ से तो सेम ही दिखता है, सन है, मून है, ये सारे क्या है, हमें एक जैसे दिखते हैं। कैसा दिखता है, राउंड दिखता है, कोई हो सकता है साइज के अनुसार कुछ छोटा कुछ बड़ा दिखता हो, बट लगभग एक जैसे दिखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं अर्थ से, सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट, ये सारी चीज़ों को सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज कहा जाता है। आई थिंक सेलेस्टियल बॉडीज क्लियर, तो एक आपका कंप्लीट होता है सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज। नाउ यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इवन आवर अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ सेलेस्टियल बॉडीज, तो हमारा जो अर्थ है ये भी क्या है, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी ही है जिस पर हम लोग रहते हैं। अर्थ भी हमारा एक हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज भी है, ठीक है, भी नहीं वो है, क्लियर। Now, the stars and the planets which we see in the sky are very small part of the vast space. तो ये जो हम लोग देखते हैं ना, अर्थ है, मून है, सन है, स्टार्स है, ये सारी चीजों को जो हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर है, एक स्पेस में है, पूरे एरिया में फैला हुआ है, पूरे आसमान में फैला हुआ है, लिमिटलेस, इसका कोई लिमिट नहीं है। आगे और हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो स्टार्स, प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वास्ट स्पेस, इस अंतरिक्ष का। स्पेस मीन्स क्या होता है, अंतरिक्ष, नाम सुना होगा, है ना, स्पेस के बारे में। ये पूरे स्पेस का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, कौन, ये अर्थ है, मून है, सन है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। मान लो कि आपका ये स्पेस है, इतना दूरी तक है ना, स्पेस है इतनी दूरी तक, तो ये एक छोटा सा पार्ट है, स्टार यहाँ पर है, सन है, मून है, एक छोटा सा एक पार्ट है, ऐसे ऐसे करोड़ों बिलियंस की संख्या में यहाँ पर है, ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वन बाय वन, और एक एक चीज को आपको क्लियर करते हुए जाना है, किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, है ना, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट हो रही है और चैप्टर को थ्रू आउट द चैप्टर हमें जाना है। नेक्स्ट वन, ये छोटा सा पार्ट है स्पेस का, विच इज लिमिटलेस, तो स्पेस क्या है, लिमिटलेस है, स्पेस क्या है, लिमिटलेस है, यानी इसका कोई लिमिटेड नहीं है, कितनी दूरी तक है अभी तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, कितना इसका एरिया में फैला हुआ है, नोबडी नोज, ठीक है। स्पेस में जाते हैं, कार्टून वाले सीरियल में आपने देखा होगा ना स्पेस। नाउ नेक्स्ट वन, तो देयर आर बिलियंस ऑफ बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस, और इस पूरे स्पेस में बिलियंस की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में ये सेलेस्टियल बॉडीज हैं। कौन, सेलेस्टियल बॉडीज, अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स व्हाट, मून, सन, स्टार्स, दीज आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, ये पूरे स्पेस में फैले हुए हैं। दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, और ये हमसे क्या है, बहुत दूर है, हेंस वी कैन नॉट सी All of them. तो क्या हम सारे स्टार्स को, सारे जितने सारे सन है, सन भी एक नहीं, बहुत सारे सन है, है ना, अभी आपको अमेजिंग लग रहा होगा, बाद में बताऊंगा, बहुत सारे सन होते हैं, तो सन है, स्टार्स है, मून है, है ना, मून भी बहुत सारे हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मून, यानी ऐसा नहीं कि हमारे पास मून है और भी दूसरे प्लैनेट के पास मून है, तो इसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि मून है, सन है, प्लैनेट्स है, ये सारे बहुत सारे हैं, बहुत छोटे छोटे हमें दिखते हैं। Why? Because it is very far away from us. हमसे ये क्या है, काफी दूर है, जिसके कारण ये छोटे 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 दिखते हैं। And hence we cannot see all of them. The vast limitless space which includes all celestial bodies is called universe. अब हमें यहां पर क्या पढ़ना है, About which thing we have to know? Universe. ये यूनिवर्स क्या होता है, अभी हमने क्या सीखा, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जाना,
स्पेस के बारे में आपने सीखा, अब क्या है, नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिवर्स। तो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ यूनिवर्स? यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, नाम सुना होगा आपने, ब्रह्मांड जिसमें सारा कुछ समाया हुआ है, है ना। ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट अंडर यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर में सारे कुछ है। ये यूनिवर्स होता क्या है, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज। एक बड़ा सा स्पेस जिसका कोई लिमिट नहीं है, स्पेस के बारे में बताया ना ये, कोई यहां तो मैं बाउंड्री दे रहा हूं बट कोई बाउंड्री नहीं, देयर इज नो एनी बाउंड्री। ये पूरा स्पेस है जिसमें सारे स्टार्स हैं, है ना, स्टार्स हैं, मून है, सन है, ये सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीजें जिसमें है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड होता है, इसे यूनिवर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज गैलेक्सी। अब हमें क्या पढ़ना है गैलेक्सी के बारे में, कैन यू सी हियर गैलेक्सी, सो वी हैव टू नो हियर गैलेक्सी, ये गैलेक्सी क्या होता है। तो दो देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, चूंकि यूनिवर्स में क्या है, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। अब ये जितने सारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ऐसा नहीं कि ये स्पेस है तो एकदम बिल्कुल सारे सेलेस्टियल बॉडीज एक लाइन में यहां पर है, या एक ही जगह ये इक्वल पार्ट में यहां पर ऐसे वन लाइन बनी है, यहां पर सन है, यहां मून है, यहां अर्थ है ना, तो ऐसी बात नहीं है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट नंबर्स में हो सकता है या होते हैं, जस्ट उसी लाइक जैसे पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन देश का होता है, क्या होता है, क्या ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में सारा पॉपुलेशन कलेक्ट है, या नहीं, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का जो नंबर होगा, डेंसिटी होगा, ये अलग अलग प्लेस में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। विलेज एरिया है तो कम है, टाउन एरिया है तो वहाँ अधिक पॉपुलेशन होती है। तो इसी तरह पूरे स्पेस में ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, ये कहीं पर फिक्स नहीं है कि यहाँ पर पर्टिकुलर 5 प्लैनेट्स है, यहाँ 6 प्लैनेट्स है, ऐसा नहीं है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट इन द स्पेस। नाउ नेक्स्ट वन, द काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर। नाउ क्लस्टर आया, देखो वन बाय वन, देखो न्यू वर्ड्स आपके सामने आएंगे, न्यू वर्ड्स यू विल हैव टू नो हियर। तो नाउ नेक्स्ट न्यू वर्ड इज दैट क्लस्टर। व्हाट इज क्लस्टर? अगेन आई से यू, इफ यू हैव टू नो, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो हिंदी मीनिंग, दैट इज योर ओन लैंग्वेज। इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज, इट विल बी बेटर अंडरस्टैंड बाय यू। तो क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स होता है क्या, ग्रुप, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर? क्लस्टर मीन्स ग्रुप या समूह, हिंदी में कहते हैं समूह, इंग्लिश में, कॉमन इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। तो क्लस्टर मीन्स क्या हो गया, ग्रुप। अब आपको समझ में आएगा कि गैलेक्सी क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वन, सो नाउ दी काउंटलेस स्टार्स इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर्स, यानी जो इतने सारे काउंटलेस अनगिनत जो स्टार्स हैं, ये क्लस्टर बनाते हैं। तो अब ये क्लस्टर क्या हुआ, क्लस्टर मीन्स क्या हुआ, ग्रुप हो गया। तो स्टार, जब बहुत सारे स्टार्स गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो दोज ग्रुप्स नोन एज स्टार क्लस्टर्स या क्लस्टर्स ऑफ स्टार, यानी तारों का समूह, ऐसा आप जान सकते हो, ठीक है। वन क्लस्टर में कंटेन बिलियन ऑफ स्टार्स, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लस्टर बनते हैं, और एक क्लस्टर में बिलियंस की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में स्टार्स होते हैं एक क्लस्टर में, वन क्लस्टर में, है ना। तो ये एक मान लो कि वन क्लस्टर है, और वन क्लस्टर में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, अनकाउंटेबल। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सच टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप, मेनी क्लस्टर्स आर देयर इन द स्पेस, ठीक है, समझ रहे हो ना, बहुत सारे क्लस्टर है। मान लीजिए यहां पर भी क्लस्टर है, इसमें भी बिलियंस ऑफ स्टार्स यहां पर भी है, यहां एक क्लस्टर है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार है, लाखों करोड़ों संख्या में स्टार्स है। तो इस तरह से जो ग्रुप ऑफ स्टार्स बनता है, इसी ग्रुप ऑफ स्टार को क्लस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट वन, ऑल द स्टार्स इन अ क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जितने सारे स्टार्स हैं, ये सारे क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण पावर से या ग्रेविटेशनल फोर्स से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, भाग नहीं पाते, अलग नहीं हो पाते हैं। सच अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स
along with the giant collection of gas and dust is called a galaxy. अब now क्या definition हो गई galaxy का? Galaxy किसे कहते हैं? Which one known as galaxy? तो ये galaxy एक ऐसा चीज है जिसमें क्या होगा, बहुत सारे clusters होते हैं ना, बहुत सारे clusters हैं. Clear है? See the line here. What is written here? Huge clusters of billions of stars. और इसमें एक गैलेक्सी में बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं. Along with giant collection of gas and dust. और इसमें बहुत सारे गैस भी है और डस्ट है. तो तीन चीजें, क्लस्टर्स, गैस एंड डस्ट, ये तीनों मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं. अभी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा यहां पर, जो आपकी ऑलरेडी बुक में दी गई है. तो दिस वन इज नोन एज गैलेक्सी. आप देख सकते हो ऐसा, दिस इज नोन एज गैलेक्सी. इसमें क्या देखो, पार्डन, ये डस्ट है, यहां पर गैस है, और यू कैन सी मेनी स्टार्स. और मैं क्लोज करता हूं यहां पर, कैन यू सी हियर, ये दीज आर द स्टार्स, है ना, स्टार्स है. यहां पर आपको देखिए ये जो पर्टिकुलर है व्हाइट व्हाइट आपको दिख रही है, ये इसमें गैस और डस्ट है, बहुत सारे स्टार्स हैं. तो ये स्टार्स हो गए, क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, और गैस और डस्ट, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक गैलेक्सी को बनाते हैं. तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग दिस फिगर. इस फिगर को आप देखकर समझ सकते हो या जान सकते हो व्हाट टाइप ऑफ गैलेक्सी इज देयर, गैलेक्सी कैसा होता है. ओके, तो दिस इज नोन एज गैलेक्सी, और ये फिगर है गैलेक्सी की. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट. तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर, टर्न द पेज, पेज नंबर 2. आवर अर्थ अलोंग विद द अदर प्लैनेट फॉर्म दिस सोलर सिस्टम. तो गैलेक्सी आप समझ गए होंगे, ऑलरेडी यू अंडरस्टूड व्हाट इज गैलेक्सी. एंड क्वेश्चन आंसर जब मैं आपको बताऊंगा किस, तो उस समय ऑल द डेफिनेशंस एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर आई विल गिव यू, लिंक ऑल्सो विल बी गिवन, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू इन कॉपी. सो नाउ टर्न द पेज, हियर इट हैज बीन टोल्ड अबाउट सोलर सिस्टम. क्या बताया गया है, सोलर सिस्टम के बारे में. तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोलर सिस्टम है. व्हाट डू यू नो अबाउट सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम होता क्या है. तो सोलर सिस्टम में क्या है, ये पूरे गैलेक्सी में एक पार्ट है जहां पर हम लोग रहते हैं, जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं, ये एक सोलर सिस्टम हमारा क्रिएट होता है. और सोलर सिस्टम मीन्स क्या, एक सन है ना, सन, और अलोंग विद दिस सन देयर आर प्लैनेट्स, बहुत सारे प्लैनेट्स है ना, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, ये जो प्लैनेट्स हैं और ये सन है, ये सन और अदर प्लैनेट्स, दीज अलोंग विद अर्थ, हमारा अर्थ भी है, ठीक है. तो सन एंड अलोंग विद दीज प्लैनेट्स फॉर्म सोलर सिस्टम, यानी कि सन और जो अदर प्लैनेट्स है, इन ये प्लैनेट्स मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम. इसी को दैट इज नोन एज सोलर सिस्टम. आई थिंक इट इज क्लियर सोलर सिस्टम क्या होता है. अब मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखाने जा रहा हूं कि सोलर सिस्टम की पिक्चर कहां पर है, पेज नंबर 5 में. यू कैन सी इन पेज नंबर 5, दिस इज, कैन यू सी दिस वन. तो दिस इज आवर सोलर सिस्टम, यहां पर सन है और अदर प्लैनेट्स, यहां पर यू कैन सी अदर प्लैनेट्स. तो दिस इज सोलर सिस्टम. नाउ अगेन कम बैक टू पेज नंबर 2. तो आवर अर्थ अलोंग विद द अदर प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. The solar system is located in the outward spiral of the Milky Way galaxy. अब यहां देखो Milky Way galaxy होता है. तो what do you know about Milky Way galaxy? तो Milky Way जिसे हम लोग हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, ये आकाश गंगा या Milky Way क्या है? तो Milky Way is the that galaxy in which our earth is situated, in which we are living in that galaxy. तो that galaxy's name is Milky Way on आकाश गंगा. तो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसे आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है. ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज है, ये जो मैंने आपको दिखाया ना गैलेक्सी, दिस वन गैलेक्सी. तो ऐसे सच टाइप्स ऑफ गैलेक्सी, सो मेनी बिलियंस ऑफ नंबर में सच टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर देयर, है ना, बहुत सारे गैलेक्सी, करोड़ों की संख्या में ऐसे गैलेक्सी है. उनमें से एक गैलेक्सी में हमारा अर्थ है जिसमें हम लोग रहते हैं, इन विच वी लिव. तो दैट गैलेक्सी इन विच वी आर लिविंग, आवर अर्थ इज देयर, दैट गैलेक्सीज नेम इज व्हाट, आकाश गंगा और मिल्की गैलेक्सी. मोस्ट देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम
इन आवर गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। तो जो हमारा सोलर सिस्टम, व्हाट एवर आई शोन यू हियर, जो मैंने सोलर सिस्टम अभी दिखाया जिसमें सन है और अदर प्लैनेट्स हैं, तो इस तरह के ऐसे ऐसे सोलर प्लैनेट्स बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, देर आर सो मेनी गैलेक्सीज, इट मीन्स दैट सो मेनी सोलर सिस्टम्स आर देयर। तो बहुत सारे जो भी मैंने अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, ये भी बिलियंस की संख्या में, स्टार्स बिलियंस की संख्या में है, सोलर सिस्टम भी बिलियंस की संख्या में, गैलेक्सी भी बहुत सारे हैं। तो एक कुछ भी नहीं है, बहुत सारे हैं। हम लोग एक वी आर वेरी वेरी स्मॉल अ टाइनी पार्ट्स ऑफ दिस सोलर सिस्टम और इज दिस द पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का हम लोग एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। एक और न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई, ओरियन है ना, ओरियन। ये ओरियन क्या है? एक्चुअली व्हेन यू सी द गैलेक्सी यू कैन सी इट इज मूविंग लाइक दिस एंड इट हैज टू, मेनली टू हैंड्स आर देयर। यहाँ हालांकि इस बुक में अभी पूरा एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी गई है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट कि यहाँ पर देखो, यू कैन सी इफ यू सी इन द मैप। एक्चुअली बुक में ऐसा कुछ आपको दी नहीं गई जैसे गैलेक्सी है, तो यू कैन सी गैलेक्सी। इस गैलेक्सी में बहुत कुछ आप देख नहीं पा रहे हो ना, क्लू से जूम से नहीं है, बट यहाँ पर मैं बोर्ड में आपको दिखाता हूँ गैलेक्सी जो आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर कैसा दिखेगा, हाउ इट विल यू कैन सी, एक इस तरह से पार्ट देखेंगे जो बहुत ही ब्राइट होता है और आफ्टर दैट दिस इज मूविंग लाइक दिस एंड वन हैंड इज लाइक दिस इन दिस वे। तो इस टाइप से गैलेक्सी है जो मूविंग करते हुए दिखती है। अब यहां पर क्या है, एक बार है, बार एक सेंटर पॉइंट हो गया और इसके बाद से इसे डिवाइड किया गया, इसको हैंड्स मान लेते हैं, इसे हैंड्स कहा गया है। तो इसी तरह से देयर आर टू मेजर हैंड्स इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में दो मेजर हैंड्स होते हैं, वन इज नोन एज माइनर हैंड एंड नेक्स्ट वन इज नोन एज मेजर, ठीक है, मेजर हैंड्स, टू हैंड्स आर देयर, एक माइनर और एक मेजर। अबाउट दिस वन इट इज रिटन इन योर बुक, सो अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा एंड नेक्स्ट इफ आई टेल यू देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे। ये जो कहा गया है द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल। स्पाइरल मीन्स क्या हुआ, स्पाइरल मीन्स वैसे चीज जो गोलाकार होता है, जो कुंडली में सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है, तो कुंडली मीन्स क्या हुआ, राउंड शेप में, गोलाकार। तो इसी तरह से ये जो गैलेक्सी है ये क्या है, स्पाइरल वे में है, गोलाकार में है। दैट वन इट इज सेइंग द सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पाइरल दैट इज नोन ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी और आकाशगंगा। ये जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, ये जो गैलेक्सी है, इसके ओरियन पार्ट में है ना, एक प्लेस है, पर्टिकुलर प्लेस है जिसे जिसका नाम दिया गया है ओरियन। व्हाट इज द नेम ओरियन। इसी ओरियन पार्ट का, वी आर द पार्ट ऑफ ओरियन हैंड। तो ये जो ओरियन है, ओरियन स्पाइरल, यहां इसी का हम लोग पार्ट है, यहीं पर हमारा अर्थ है इसके बीच में। तो नाउ नेक्स्ट वन इज दैट डू यू नो। अब हम लोग डू यू नो की तरफ बढ़ते हैं और व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन हियर। डू यू नो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डू यू नो से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, डिफिनेशन ETC आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो यहां पर देखो दिया गया है डू यू नो में कि मिल्की वे गैलेक्सी अ फेंट वाइट बैंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्काई इज अ बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी, इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन एंड हैज टू मेजर आर्म्स। जो मैंने अभी बताया इसी चीज को यहां पर बताया गया है कि मिल्की वे गैलेक्सी में एक व्हाइट पार्ट आप देख सकते हैं जो गोलाकार बना हुआ है। अगेन आई एम गोइंग टू शो यू दिस वन, ये जो देखा आपने, ये जो व्हाइट पार्ट है, तो ये गैलेक्सी में पाए जाते हैं एंड ये पूरे आकाश में, जब रात में निकलोगे गौर से देखना, जब अंधेरा होगा, लाइट रहेगी तो नहीं दिखेगी, लेकिन जब डार्क है, पूरे लाइन करंट नहीं है और डार्क है, तो डार्क में जब आप आसमान में देखोगे एक व्हाइट सा आपको दिखेगा, पूरे आप लगेगा ऐसा, यू कैन फील दैट देयर इज अ रोड इन द स्काई, ऐसा फील होगा कि आसमान में क्या एक रोड बनी हुई है, आपको व्हाइट पार्ट दिखेगा। तो दैट दिस लुक्स इन द स्काई ड्यूरिंग द नाइट, यानी नाइट में आपको दिखेगा, दिन में नहीं दिखेगा। अब आप आज रात में निकलेंगे और देखेंगे आसमान में।
अक्रॉस द स्काई इज अ बर्ड स्पाइरल गैलेक्सी। ये गैलेक्सी कैसा होता है? स्पाइरल है, यानी क्या है? गोलाकार है, कुंडली मारा हुआ है यानी गोलाकार है। इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट्स सेंटर, और इसके सेंटर में क्या है? गैलेक्सी, मैंने आपको दिखाया था कि गैलेक्सी में क्या है, एक सेंटर पॉइंट है जिसको बार कहा जाता है ना, और इसके बाद से ऐसे हैंड्स फैला हुआ है। ये जो मिडिल पार्ट है गैलेक्सी का, दिस इज कॉल्ड बार। इट कंटेन्स अ बार अक्रॉस इट्स सेंटर रीजन एंड हैज टू मेजर आर्म्स, और इसके दो मेजर हैंड्स होते हैं, दो हैंड्स है, ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था, टू मेजर आर्म्स। द ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन टू मेजर आर्म्स, दो जो मेजर आर्म है उसी के बीच में ओरियन सिचुएटेड है, जिसमें हमारा जो अर्थ है वह सिचुएटेड है। तो दिस वन इज कंप्लीटेड, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक इज दैट स्टार्स, इज वो स्टार है ना, दिस वन। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्टार्स। तो स्टार्स क्या है? स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज। तो स्टार्स क्या होते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्स वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद से चमकते हैं, यानी इसे कहे चमकदार कहा जा सकता है ना, जो जिसकी दोज विच हैव देयर ओन लाइट, जिसकी अपनी लाइट होती है, किसी दूसरे के लाइट से ये ग्लो नहीं करते हैं। जैसे मून है, अर्थ है, ये क्या है, दे डोंट हैव देयर ओन लाइट, बट स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। तो दोज सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन लाइट, दोज आर नोन एज स्टार्स। वैसे हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज जिसकी अपनी लाइट है, जो खुद से चमकते हैं, दोज आर नोन एज स्टार। जैसे एग्जाम्पल में सन, दैट इज वाई आई टोल्ड यू सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन एक ऐसा हेवनली बॉडीज है जिसकी अपनी लाइट है, जो एक खुद आग का गोला है, खुद से चमकता है, एंड दैट इज वाई द सन इज ऑल्सो अ स्टार। तो इसी तरह जितने सारे स्टार देखते हो ना, वो सन के जैसा ही है। सन जितना बड़ा और सन से भी बड़े बड़े होते हैं कौन? स्टार्स। एंड दे हैव देयर ओन लाइट, अपनी लाइट उनकी है और अपनी लाइट से चमकते हैं। तो दीज आर सेल्फ ल्यूमिनस, यानी जो स्वयं चमकते हैं। ओके, नाउ इट हैज बीन टोल्ड हियर, दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेज। अब ये स्टार्स बने किससे होते हैं? हॉट गैसेज से, गर्म गैस से बनी होती है, एंड दिस इज दैट इज वाई इट बर्न्स। तो सूर्य में क्या है, सन में क्या है, ये भी गैस है, और इसके कारण ये क्या जलता रहता है, आग का गोला है ये। तो दे आर मेड ऑफ हॉट गैसेज, दे जनरेट हीट एंड लाइट, है ना। ये क्या जनरेट करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या जनरेट करते हैं? हीट को जनरेट करते हैं, तापमान, गर्मी। अभी गर्मी का मौसम है ना, तो हीट हो रही ना। तो इसी तरह से तारों में क्या है, स्टार्स में क्या, हीट जनरेट होती है, और क्या होता है, लाइट जनरेट होता है। जब हीट होगा तो लाइट भी होगा, सिंपल सी चीज है। एंड नेक्स्ट वन, रेडिएट इन द स्पेस। और ये स्टार्स क्या होते हैं, रेडिएट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएट? रेडिएट का मतलब होता है जो लाइट जो फैलता है ना, इस तरह से जैसे सन है, तो सन का जो लाइट है क्या होता है, पूरे स्पेस में स्प्रेड होता है, फैलता है। तो दिस इज नोन एज रेडिएट होना, इसी को रेडिएट कहते हैं। तो ये स्टार्स क्या होते हैं, पूरे स्पेस में रेडिएट होता है, इसका लाइट पहुंचता है, फैलता है, स्प्रेड होता है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। द नंबर ऑफ स्टार्स इज काउंटलेस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बहुत सारे असंख्य है, अनगिनत, काउंटलेस है। वी कैन नॉट काउंट दिस वन, वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। एक समय में सारे स्टार्स को हम लोग न तो देख सकते हैं, न ही काउंट कर सकते हैं। इट हैज बीन सेड दैट एट वन टाइम वी कैन सी नॉट मोर देन 6,000 स्टार्स। ऐसा कहा जाता है कि एक बार में हम लोग 6,000 स्टार से ज्यादा हम लोग नहीं देख सकते हैं। इन वन टाइम वी कैन सी ओनली 6,000 स्टार्स। नाउ नेक्स्ट वन, स्टार्स आर वेरी ह्यूज बॉडीज, दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम दी अर्थ। यानी चूंकि हमारे अर्थ से स्टार्स क्या होते हैं, बहुत दूर रहते हैं, वेरी फार अवे, एंड दैट इज वाई, यही कारण है कि स्टार्स हमें क्या दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं स्टार्स, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज इज यूजली मेजर्ड इन अ यूनिट नोन एज द लाइट ईयर। ये भी आपको समझना है, लाइट ईयर क्या होती है, लाइट ईयर, LIGST, लाइट ईयर। इज इट विजिबल, लाइट ईयर, व्हाट इज लाइट ईयर? अब देखो, कपड़ा है, अब कपड़े को आप कैसे
मेजरमेंट करते हो, कैसे नापते हो, मीटर में, कितना मीटर कपड़े चाहिए, 1 मीटर 2 मीटर चाहिए। यदि आप कहीं ट्रैवल करते हो, जाते हो, तो आप कैसे डिस्टेंस को मेंटेन करते हो, कैसे उसको मेजर करते हो, किलोमीटर से, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर लाइक दिस, है ना। तो इसी तरह से मान लो कि एक सेलेस्टियल बॉडीज है सन, नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडीज हो गया हमारा अर्थ, ओके। तो अब हाउ यू कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून, सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है, क्या हम लोग इंची टेप लेके जाएंगे, है ना, या फिर कोई मीटर लेंगे, क्या नापेंगे, ऐसे मेजरमेंट करेंगे, नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल। तो दैट इज द फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, तो हाउ वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन वन सेलेस्टियल बॉडीज टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज, तो दिस दैट मेजरिंग यूनिट इज लाइट ईयर। तो जिस चीज से हम लोग वन सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को जिस यूनिट से मेजर करते हैं, दैट यूनिट नेम इज लाइट ईयर। तो लाइट ईयर से हम वन सेलेस्टियल बॉडी से दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज का जो डिस्टेंस होता है, इसे नापा जाता है, ओके। तो हाउ, व्हाट कैन यू से इफ समबडी आस्क यू व्हाट डू यू नो बाय लाइट ईयर, तो लाइट ईयर इज अ यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन वन सेलेस्टियल बॉडीज टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। आई थिंक इट इज क्लियर, लाइट ईयर क्या होती है आपको मालूम हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, सम स्टार्स आर सो फार अवे दैट द लाइट रेडिएट बाई देम रीच अस इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो इतने दूर होते हैं, इतने काफी डिस्टेंस में होते हैं, जिसकी लाइट हम तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है ना, काफी समय लग जाता है। रेडिएट बाय देम रीच मिलियंस ऑफ ईयर्स, द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, नाउ इट हैज बीन टोल्ड दैट हमारे अर्थ से सबसे जो नजदीक का जो तारा है, सॉरी, हमारे अर्थ से जो सबसे नजदीक का जो स्टार है ना, कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी से कहा जाता है। व्हाट इज रिटन इन द बुक, सम स्टार्स आर सो फार अवे दैट लाइट रेडिएट्स बाय देम रीच अ मिलियंस ऑफ इयर्स, द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ अदर देन द सन इज द प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो जो सन है, सन भी चूंकि क्या है, एक स्टार है, तो यहां पर मैं सन की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे देखा जाए तो हमारे अर्थ से सबसे क्लोज में जो स्टार है वो क्या है, सन है। बट सन को छोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट जो स्टार, जो एक्चुअली में स्टार जैसा दिखता है, छोटा दिखता है, तो दैट स्टार्स नेम इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, हमारे अर्थ से सबसे नजदीक का जो स्टार है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नाउ इट इज अबाउट 4.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस, और इसकी भी दूरी कितनी है, 4.5 लाइट ईयर अवे है हमारे अर्थ से। तो दिस वन कंप्लीटेड, स्टार्स टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नेक्स्ट इट इज रिटेन डू यू नो सेक्शन, नेक्स्ट डू यू नो सेक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉट इंफॉर्मेशन हेयर हैज बीन गेन, कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई यहां पर, यहां पर बताया जा रहा है कि डिस्टर्बेंस इन द एटमोस्फियर कॉजेज स्टार लाइट बेंड स्लाइटली। चूंकि देखो इन्वायरमेंट जो होता है ना, यहाँ बहुत सारे लेयर होते हैं और सब लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इससे क्या होता है, टर्निंग आती है। सपोज देयर एक स्टार है, अब स्टार यहाँ पर आपका अर्थ है, कैन यू सी स्टार, और यहाँ पर क्या है, अर्थ है। तो स्टार की जो लाइट है आती है तो स्ट्रेट वेज में बिल्कुल नहीं आती है, स्ट्रेट वे में होता क्या है, अब यहाँ का टेम्परेचर मान लो कुछ अधिक है, ज़्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर इस एरिया का कम है, फिर यहाँ मान लो कम है या ज़्यादा है, तो इसके कारण क्या होता है, इसकी लाइट जो है ना वो बेंट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, बेंट मीन्स टेढ़ा हो जाना। तो इस तरह हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ का एरिया का जो टेम्परेचर है वो कुछ डिफर है, फिर यहाँ से कुछ ये बेंट हो गया, तो इस तरह से इसकी जो लाइट है स्टार की वो स्लाइटली नहीं आती हमारे तक, ये बेंट होते हुए आती है, एंड दैट इज वाई द स्टार्स सीम्स टू ट्विंकल। और यही कारण है कि स्टार हमें कैसे दिखते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे 9-10 में, तो इसे और बेटर अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। नाउ तो इट हैज बीन टोल्ड हियर
कि डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज स्टार लाइट टू बेंड स्लाइटली, एज ए रिजल्ट सम ऑफ द लाइट रीचेज अर्थ डायरेक्टली एंड सम गेट्स स्लाइटली बेंड अवे। तो कुछ लाइट हमारे अर्थ तक सीधी आती है स्ट्रेट वाइज एंड सम लाइट्स बेंड, और सम लाइट्स क्या होते हैं कुछ टेढ़ी हुई आती है, बेंड होते हुए आती है। दिस मेक्स अ स्टार टू ट्विंकल, और ये इसी कारण से स्टार समय क्या दिखते हैं, ट्विंकल करते दिखते हैं, टिम टिमाते हुए आते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ स्टार्स ट्विंकल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वर्ड बिहाइंड ट्विंकलिंग स्टार्स। तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, दिस वन इज रिटन हियर एंड आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस दी गई है डू यू नो पोर्शन में, ये है कि लाइट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी लाइट की जो स्पीड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि लाइट कितनी स्पीड से जाती है। आप गाड़ी बाइक चलाते हो, गाड़ी कार चलाते हो तो स्पीड होती है ना, तो इस तरह से लाइट का भी तो अपना स्पीड होगा, कितने तेज से लाइट जाती है। आप टॉर्च जलाते हो कितनी फास्ट लाइट जाती है, आपने बटन प्रेस किया और लाइट वहां पर दिखना शुरू हो गया। तो लाइट की भी क्या है, एक स्पीड है। तो लाइट की स्पीड कितनी है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में लाइट जो है 300,000 किलोमीटर तक चली जाती है, है ना। तो लाइट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 300,000 पर सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ रे ऑफ लाइट इन अ एयर और 365 डेज इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। तो उसमें लाइट ईयर के बारे में आपको जानकारी थी कि लाइट ईयर तो क्या है, लाइट ईयर इज अ मेजरिंग यूनिट बिटवीन सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये लाइट ईयर किसे कहा जाता है, कितना फास्ट होता है, अबाउट दिस वन इट हैज बीन रिटेन। तो यहां पर क्या बताया गया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन अ ईयर इन 365 डेज। तो 365 डेज में, 365 डेज यानी वन ईयर में एक लाइट जितनी दूरी, जितना डिस्टेंस वो जाती है, उतने टाइम को या उतने डिस्टेंस को वन लाइट ईयर कहा जाता है, है ना, वन लाइट ईयर। अंडरस्टूड दिस वन, अगेन आई एम सेइंग दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी एक सेकेंड में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 300,000 किलोमीटर तक जाती है। इसी तरह से वन ईयर में, एक साल में यानी 365 डेज में जितनी दूरी तय करती है एक लाइट, है ना, दैट इज नोन एज वन लाइट ईयर। अंडरस्टूड दिस वन, चलिए नेक्स्ट वन इज दैट कॉन्स्टेलेशन।